न्यूज और आपके साथ मैं हूँ आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। जबलपुर में अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर बीते 6 दिनों से मध्य प्रदेश के तमाम जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इस दौरान हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों को वापस काम पर लौटने के निर्देश भी दिए। बावजूद इसके कि हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करे, जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक रूप से पूरे प्रदेश में इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अब राज्य सरकार जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने दिया नोटिस, जुड़ा ने मांगी वीक। राज्य सरकार के खिलाफ जूनियर डॉक्टर ने हड़ताल कर दी है, लिहाजा उसको देखते हुए सरकार ने भी तमाम डॉक्टरों को बोन के अनुरूप 30 लाख रुपए देने का फरमान सुनाया है, जिसको लेकर जूनियर डॉक्टरों में और भी आक्रोश पनपने लगा है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में राज्य सरकार के इस नोटिस का जवाब देते हुए जुड़ा ने जबलपुर शहर की सड़कों में उतर कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। हाथों में लिया कटोरा, मांगी भीख। जिन हाथों में कल तक स्टेथोस्कोप हुआ करता था, आज उन हाथों में भीख मांगने के लिए जूनियर डॉक्टरों ने कटोरा लिया हुआ है। राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि हमारी जो मांगे हैं वह जायज है, बावजूद इसके राज्य सरकार हमसे अब सीट लिविंग बॉन्ड के पैसे मांग रहा है, जिसके लिए हम सड़क पर उतर कर भीख मांग रहे हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। देखिए, सरकार द्वारा एक ऑर्डर निकाला है जिसमें सीट लिविंग बॉन्ड मांग रहे हैं हमसे, जो 30 लाख रुपए का है। परंतु आप लोग भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि डॉक्टरों को बहुत ही ज़्यादा अंडर पे किया जा रहा है। डॉक्टरों को इतना पैसा हमारे पास नहीं है, तो हम भीख मांग रहे हैं। एक तरह से हम कटोरा मार्च कर रहे हैं, हम कटोरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं सबके सामने। डॉक्टर आशुल चावला सर, आज आप लोग एकत्रित होकर कटोरा लेके खड़े हुए हैं, कुछ आदेश आए हैं क्या है? ऐसा कोई आदेश नहीं है, क्योंकि कोई आदेश नहीं आया है, इसलिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक आदेश जो है सरकार की तरफ से, डीन ऑफिस से हमारे जो सीनियर फिल्म की तरफ आया है, कि जो सीट लीविंग बॉन्ड होता है, 3 साल के बाद अगर आप सीट छोड़ते हैं तो सीट लीविंग बॉन्ड कुछ अमाउंट जो है देना पड़ता है सरकार। तो सरकार आज की स्थिति में वो सीट लीविंग बॉन्ड 30 लाख रुपये जो है हमसे डिमांड कर रही है, और हॉस्टल छोड़ने की हमें जो है हमारे लिए एक लेटर इशू कराया गया है। तो इस स्थिति में जहां हमारे जो मांगे हैं, जो बेसिक मांगे, वो तो पूरी हो नहीं रही हैं, परंतु हमसे हमारे सीट लिविंग बॉन्ड का पैसा मांगा जा रहा है, हमें हॉस्टल से बाहर निकालने के पेपर बनाए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास और कोई विकल्प बचा नहीं है, बशर्ते कि हम ये कटोरा लेकर और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि सरकार की आँखें खुलें और वो इस पर विचार करें कि ऐसे जूनियर डॉक्टर के साथ इस तरह से उन्हें हॉस्टल से बाहर निकाल देना या उनसे सीट छोड़ने का पैसा मांगना, ये सब कहीं भी उचित नहीं है। सर, हमारा ये मानना है कि सरकार हमारे लिए कुछ उचित निर्णय लेगी, इसीलिए हम अपना जो है एक सांकेतिक प्रदर्शन लगातार जारी किए हुए हैं। फिर भी अगर सरकार कोई भी उचित निर्णय नहीं लेती है या इसी तरीके से हमें जो है हरास करती है या प्रताड़ित करती है या कुछ ऑर्डर इशू करती है, तो हमारे समर्थन में और भी संगठन जो है जुड़ेंगे। जैसे कि IMA ने चेतावनी दी है कि अगर हमारे खिलाफ कोई भी इस तरीके का एक्शन लिया जाता है तो IMA जो है स्ट्राइक पे आएगी और जो सारे निजी अस्पतालों में भी ताला लगेगा। सर, नाम? डॉक्टर प्रदीप पटेल। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।